लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम आज आपको एक विशेष सूचना के संदर्भ में बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गया है। राजनीति विज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट है और यदि आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी यूसी NDRF असिस्टेंट प्रोफेसर या RPSC फर्स्ट ग्रेड का, तो हमारा ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी है। हमने इस क्लास में संपूर्ण राजनीति विज्ञान का अध्ययन स्टार्ट किया है, जिसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, राजनीति शास्त्र का सिद्धांत, भारत का संविधान, लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारतीय विदेश नीति के विशेष संदर्भ में इसका अध्ययन स्टार्ट हो गया है। आप हमारे इस बैच को अगर ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको हम बतलाना ये चाहेंगे कि ये पूरा क्लास कॉन्सेप्ट और तथ्यात्मक दोनों विवेचन पर आधारित है। आप इस क्लास को करते समय अवधारणात्मक अध्ययन पर विशेष बल देवें और इस अध्ययन के दौरान आपको यह देखना है कि किसी भी अवधारणा का जन्म आखिर क्यों हो जाता है। पूर्णतया यह क्लास कार्यकारणवाद पर आधारित है, जिसमें एक सामान्य बात आपको समझ लेना है कि राजनीति विज्ञान दर्शन पर आधारित विषय है। यह सर्वोत्तम विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया। प्राचीन यूनानी चिंतक अरस्तु ने भी इस बात का जिक्र किया कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान ही नहीं है, बल्कि यह विज्ञानों का भी विज्ञान है, इसलिए इसको सर्वोत्तम विज्ञान कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस बात को अरस्तु के द्वारा बतलाया गया है। तो इसी संदर्भ में आपको यह जानने की आवश्यकता है कि जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात को समझ लेने की आवश्यकता पड़ती है कि किसी भी अवधारणा के प्रतिपादन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को भी जानने के लिए आपको समझ लेना है कि तत्कालीन परिस्थितियां कौन सी हैं और उन परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याएं कौन सी हैं और उन समस्याओं का निदान किसी भी दार्शनिक या राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर क्यों किया गया। उदाहरण के रूप में आपने अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन स्टार्ट किया होगा तो आपको यह बात मालूम होगी कि 1990 के पहले का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और 1990 के बाद के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अप्रत्याशित परिवर्तन हो गया है। अप्रत्याशित परिवर्तन का तात्पर्य है कि आज समस्त संबंधों को देखने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर परखना आवश्यक हो गया। यदि आप आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं परखते हैं तो आप उसका संपूर्ण विवेचन नहीं कर सकते हैं। किसी भी एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध का बनना और बिगड़ना इसी बिंदु पर आधारित है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात थी। इसी प्रकार से चाहे राजनीतिक दर्शन हो, राजनीति शास्त्र का सिद्धांत हो या भारत का संविधान ही क्यों न हो, किसी भी आर्टिकल, किसी भी भाग को समझने के लिए आपको तत्कालीन भारतीय परिदृश्य का भी अध्ययन करना पड़ेगा, जिस परिदृश्य के उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान के अंतर्गत उन अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया। खैर, इन बातों का अध्ययन हम लगातार अपने ऑनलाइन बैच के क्लास में लगातार करते जा रहे हैं परंतु इस क्लास के साथ साथ आपको यह बात ध्यान में रखना है कि यदि आपको उस क्लास को करते समय किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आप चाहते हैं, किसी प्रकार की समस्या आपको प्रतीत होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और उस समस्या का समाधान आपको किया जाएगा। 11 तारीख से कंटिन्यू हमारे ऑनलाइन बैच के वीडियो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। वो आपको वीडियो क्लास के रूप में और आवश्यकता अनुसार लाइव क्लास के रूप में आपको प्राप्त होंगे, और आपको संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत इस बात का भी अध्ययन कराया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा जो अन्य क्षेत्रीय संगठन हैं उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे आसियान का, सार्क का या अन्य संगठनों का जो आर्थिक संगठन के रूप में वर्तमान में स्थापित हैं और उनका रिलेवेंट वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसका भी अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपने इस बात को समझा होगा कि वर्तमान में अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे अध्ययन और परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उदाहरण के रूप में भारत चीन का संबंध, भारत पाकिस्तान का संबंध, भारत
अमेरिका का संबंध, भारत सोवियत रूस का संबंध, ये सारे संबंधों का हम लोग अध्ययन ही नहीं करेंगे बल्कि इसके राजनीतिक और आर्थिक आयाम की समीक्षा भी करेंगे, जिससे आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकें कि आखिर ये घटनाक्रम घटित क्यों होता जा रहा है। आपको इस बात को समझना है कि भारत का चाइना के साथ ये आखिर अंतर्द्वंद्व क्यों उत्पन्न हो गया है। जो 1991 से भारत के साथ इतना बड़ा आर्थिक संबंध था, वो आर्थिक संबंध के बाद भी सीमा संबंधी विवाद का ये महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने क्यों आ गया, इस बात का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और यह पाठ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यूसी के लिए और पीजीटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपको अपने अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित करना है। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और इसके साथ साथ इस पर आने वाले सवालों का एक जो है प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाएगा, जिससे आप अपनी इस तैयारी को बखूबी अच्छा अंजाम दे पाएँ। फिलहाल हम लोगों की आज की बात यहीं तक थी। हम लोग किसी भी मुद्दे पर पुनः चर्चा करने के लिए आवश्यकतानुसार फिर से मिलते रहेंगे। आप इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और किसी भी समस्या के समाधान हेतु हमें सूचित करें और कमेंट बॉक्स में इसको लिखें।